जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का जो सेकेंड पार्ट है, कुर्ग। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे और हम ये जानेंगे कि जो कुर्ग है एक्चुअली एक कर्नाटका का एक भाग है और ये हमारी कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारी इंडिया की झलक से किस तरीके से आबद्ध है, जुड़ा हुआ है। तो इसे हम पहले देखेंगे आज। कह रहा है कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रैन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कह रहा है कुर्ग जो है ना एक कॉफी कंट्री माने देश ना समझ के एक भंडार समझना। यहाँ पे कुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी का भंडार है, बहुत ज्यादा काफी होता है वहां पर। और ये किसके लिए फेमस है? अपने रैन फॉरेस्ट के लिए। वर्षा वन जो होते हैं, बारिश की वजह से बहुत घने जो जंगल होते हैं, उनके लिए और अपने मसालों की क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। राइटर बता रहे हैं कि देखो मध्य में, बीच में किसके, कह रहा है कि मैसूर और जो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एक जगह का नाम है। देखो साइट का मतलब दृश्य होता है ना। कह रहा है कि मैंगलोर का जो दृश्य है वहां और मैसूर का जो कोस्टल टाउन है, जो मतलब नदियां समुद्र के किनारे बसा हुआ है, उन दोनों के मिडवे बिटवीन मतलब बीच में अ पीस ऑफ हेवन स्वर्ग का एक टुकड़ा दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो ड्रिफ्ट कर गया होगा, लहराते हुए गिर गया होगा फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के पास से। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी जगह है ना जो एक कल्पना करके बता रहे हैं कि एक स्वर्ग के टुकड़े की जैसी ये जगह है। शायद कोई स्वर्ग का टुकड़ा भगवान के पास से टूट के गिर गया होगा बहुत समय पहले और यहाँ बस गया होगा। ये जगह, ये धरती वाली जगह नहीं है, ये स्वर्ग वाली जगह है, इतनी सुंदर जगह है। तो ये बता रहे हैं कि मैसूर का जो कोस्टल एरिया है और मैंगलोर साइड के बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा इस तरह का जगह बसा हुआ है, इनके देखने से ऐसा लगा। कह रहे हैं दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह एक ऐसी जगह है ना जहां पर रोलिंग हिल्स है, लगता है कि पहाड़ियां रोल कर रही है, नचते हुए आ रही है, मतलब कहीं ऐसा 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 इस तरह का जगह है। और कह रहा है इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। कह रहा है इस जगह पे ना एक कौन इनहैबिटेट करता है, मतलब कौन निवास करता है, तो एक जगह इनहैबिटेंट बन गई, आवासीय बन गई है बाई अ प्राउड रेस माने जाति, एक खतरनाक जाति है, घमंडी जाति है, पावरफुल जाति है मार्शियल मैन की, यानी योद्धाओं की, बहुत ज्यादा युद्ध टाइप के आक्रामक जो लोग हैं उन लोगों का एक इनहैबिटेंट बन गया है। ये कौन सी जगह, जो ये रोलिंग हिल्स वगैरह हैं और जिसको हमने बताया कि स्वर्ग का टुकड़ा है, ये जगह यानी वहां पर मार्शियल मैन रहते हैं, मतलब योद्धा रहते हैं, इस तरह के लोग रहते हैं। अभी आप समझ जाओगे योद्धा क्यों कहा गया है। कह रहा है कि ब्यूटीफुल वुमेन, जहां पर औरतें बहुत ही सुंदर होती हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और वहां पर प्राणी भी बहुत ज्यादा होते हैं, जंगली जानवर वगैरह जो होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। औरतें भी वहां की बहुत सुंदर होती हैं। लोग कैसे होते हैं? मार्शियल मैन के जैसे होते हैं, योद्धाओं के जैसे। कह रहा है कुर्ग और कोडागू, एक कुर्ग कोडागू दोनों एक एक नाम है। कुर्ग पुराना नाम है, कोडागू नया नाम है। कह रहा है कि जो कुर्ग और कोडागू है ना, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला किसका है? कर्नाटका का है ना। और कह रहा है कि इज होम टू एवर ग्रीन रैन फॉरेस्ट, यह एक घर है हमेशा हरे भरे जंगलों का, यानी यहाँ पर पूरे 12 महीने पतझड़ नहीं होते हैं, हरे भरे वन पाए जाते हैं। कह रहा है स्पाइसेस का घर है, मसालों का एक घर है, एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी के पौधारोपण यानी प्लांटेशन की जगह है, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा कॉफी का प्लांटेशन होता है, एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मसाले पाए जाते हैं, इस तरह का ये जगह है। कौन? कोडगू, कोडागू कह लो या फिर कुर्ग कह लो, दोनों में से कोई एक कह लो, सबसे छोटा जिला है कर्नाटका का, इस बात को ना भूलना। आगे देखो, कह रहा है कि एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि इस जिले का 30% पता है कौन कवर करता है? ये जो एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट है, यानी हमेशा से सदाबहार वन कहते हैं इनको, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट को सदाबहार वन कहते हैं। कह रहा है कि सदाबहार वनों से 30% इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा घिरा हुआ, यानी एक तो छोटा डिस्ट्रिक्ट है और 30% इसमें मतलब क्या है, तो ये हरे भरे जंगल है। कह रहा है ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून का समय आता है ना, तो इट माने मानसून
पोर्स इनफ, पोर्स माने उड़ेलता है, इनफ माने बहुत ज्यादा, कह रहा है कि मानसून इतना ज्यादा उड़ेल देता है, पानी इतना ज्यादा उड़ेल देता है कि इससे होता क्या है, कह रहा है कि टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, कि बहुत सारे जो विजिटर्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, कीप अवे हो जाते हैं। कीप अवे का मतलब दूर रहते हैं, यानी मानसून के दिनों में इतना पानी हो जाता है कि यहाँ पर विजिटर्स नहीं आते हैं, वो दूर ही रहते हैं, मानसून के दिन उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं, है ना। मानसून क्यों, एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ होते हैं ना, देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं होते हैं जहाँ वर्षा का मतलब वो जो औसत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी लगभग 60% के लमसम बारिश अगर होती है 60 सेंटीमीटर या 60-70 सेंटीमीटर, वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मानसून का समय आएगा तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा ही, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर नहीं जा पाते हैं बहुत ज़्यादा पानी की वजह से। आगे देखो, कह रहा है कि द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस, कॉमेंस का मतलब स्टार्ट होना होता है, कह रहा है कि जो जॉय का सीजन होता है ना वो स्टार्ट होता है फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कॉन्टिन्यूज टिल मार्च, और कब तक कॉन्टिन्यू रहता है, मार्च तक, यानी मजेदार जो मौसम स्टार्ट होता है इंजॉय करने का वो कब से होता है, तो ये सेप्टेम्बर से लेकर मार्च तक चलता है, कॉन्टिन्यू रहता है। कह रहा है द वेदर इज परफेक्ट, मौसम बड़ी ही परफेक्ट होता है यहाँ पे, एकदम मस्त होता है, विथ सम शावर्स, कभी कभी कुछ बौछारें आ जाती हैं, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, कभी कभी कुछ बौछारें जो आती हैं, थ्रोन होती हैं मतलब फेंकी जाती हैं ऊपर से, एक गुड मेजर में होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी नहीं, यानी एक स्टैंडर्ड में होती है जिससे बहुत नुकसान भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कह रहा है द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविग्रेटिंग कॉफ़ी, हवा जो सांस लेती है ना, हवा में जो खुशबू आती है ना वो इनविग्रेटिंग कॉफ़ी की आती है। इनविग्रेटिंग का मतलब होता है ताजगी भर देने वाला, फुर्ती भर देने वाला, इनविगर का मतलब किसी को फुर्तीला बना देना, ताज़ा बना देना, एकदम ताज़ा चाय देखा है ना उसी तरह। कह रहा है कि ये मतलब एक इसमें ना एकदम ताजा कर देने वाली कॉफी की महक आती है इसकी हवाओं में, कुर्ग की हवाओं में। और कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, इस चीज को थोड़ा ध्यान समझना, ये थोड़ा उल्टा सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखो कह रहा है कॉफी स्टेट्स, स्टेट का मतलब होता है जागीर या धरोहर, यहाँ पर इस कॉफ़ी स्टेट का मतलब है कॉफ़ी के खेत समझ लेना। कह रहा है कॉफ़ी के जो खेत है यहाँ पर, एंड कॉलोनियल बंगलो, कॉलोनियल का मतलब जो कॉलोनी में बंगले बनाए गए हैं, मतलब एक लगातार बंगले बनाए गए हैं, स्टैंड टक्ड उनको लगाया जाता है, खड़ा किया जाता है, बंगलों को खड़ा किया जाता है अंडर ट्री कैनोपीज, किसके, ट्री कैनोपीज के नीचे। ट्री कैनोपी क्या होता है, जैसे इस तरह का तिरपाल तना हुआ देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे 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 जो छज्जा हम बनाए जाते हैं, जैसे उन नोमेड वगैरह खाना बदोश को देखा होगा, कहीं अपना टेंट ऐसे लगा देते हैं, है ना, ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं, तो ये कैनोपी के आकार का हो जाता है। वही कह रहा है कि यहाँ पर इतने पेड़ होते हैं कि वो एक कैनोपी के आकार के पेड़ बन जाते हैं पूरे पूरे, और इनके नीचे ही कॉफ़ी के जो खेत होते हैं वो लगाए जाते हैं, है ना, और जो यहाँ के घर होते हैं वो भी वहीं पे बनाए जाते हैं, मतलब जो घर होते हैं वही पेड़ों के नीचे ही टक किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पेड़ों के जो कैनोपी होती है, पेड़ों का एक आकार जो बन जाता है उसके नीचे कॉफ़ी के बगान भी लगाए जाते हैं और घर भी बनते हैं यहाँ पे, जो बंगलो बनते हैं कॉलोनियल। और ये कहाँ बनते हैं, इन प्राइम कॉर्नर, बड़े अच्छे कॉर्नर पे, जहाँ पर सूटेबल कॉर्नर, सूटेबल जगह होती है वहीं पर ये बनाए जाते हैं। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, कह रहा है कि जो फायर्सली माने अत्यंत रूप से आज़ाद जो लोग हैं, जिनके ऊपर कोई बाउंडेशन आज भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं लगा रखी है, कुर्ग के लोगों पर, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, ये संभवतः जहाँ तक हम सोचते हैं ना, ये ग्रीक और अरबिक जो लोग थे इनका जब पतन हुआ, मतलब इनका जब अंत हो रहा था, ये वही लोग हैं या ये लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब अरबिक लोग थे और कौन लोग थे यहाँ पर जो ग्रीक लोग थे, जब इनका पतन होने लगा तो कुछ उसमें से बच गए थे, इक्का दुक्का बच गए थे, और उन्हीं की प्रजातियाँ आज बढ़ते बढ़ते बढ़ गई हैं, अभी आगे समझ में आएगा आपको, ताकि वो जो अरबिक लोग थे ना और ये जो
ग्रीक लोग थे, इनकी झलक उनमें दिखाई देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि शायद वो लोग इन्हीं की प्रजाति होंगे, क्योंकि वो बड़े आक्रामक होते थे, बड़े खतरनाक होते थे, मार्शियल मैन होते थे। आपने पढ़ा है पीछे, वही कह रहा है कि जब उनका अंत होने लगा ना, तो शायद कुछ लोग बच गए थे अरबिक और ग्रीक के। ये पॉसिबली फायरसली इंडिपेंडेंट लोग हैं जिनके ऊपर आज भी सरकार अंकुश नहीं लगाती है, शायद ये लोग उन्हीं के हिस्सा रहे होंगे। कह रहा है कि एज वन स्टोरी गोज, जिस तरीके से एक कहानी बताती है हमें, एक कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है इनके बारे में कि क्या इनकी स्टोरी है, वो कहानी क्या है। कह रहा है कि जैसे कि स्टोरी बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। कह रहा है ना कि अलेक्जेंडर जो था, जो सिकंदर था, उसकी एक आर्मी का हिस्सा जो था ना, वो मूव कर गया साउथ की तरफ। एक बार साउथ की तरफ वो लोग चले गए, और अलोंग द कोस्ट मतलब ये जो समुद्र का किनारा था, उस समुद्र के किनारों से होकर के लोग साउथ की तरफ चले गए, एंड सेटल्ड हियर, और वहीं जा करके बस गए। When returned become impractical, लेकिन जब ये लोग रिटर्न होने लगे ना वहां से, तो इम्प्रैक्टिकल हो गए, थोड़े दुर्व्यवहार टाइप के लोग हो गए, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। वहां जब तक रहे तब तक रहे, और जब लौटना हुआ तो ये लोग गलत काम करने लगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि दीज पीपल मैरिड Amongst the locals, ये जो लोग थे वो क्या कर लिए, जबरदस्ती शादी कर लिए लोगों से, मतलब जो लोकल के लोग थे। एंड देयर कल्चर इज apparent, और उनका जो कल्चर है वो स्पष्ट दिखाई देता है इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, मार्शियल ट्रेडिशन में। कह रहा है जो मार्शियल लोग हैं उनकी जो परंपरा है ना, वो परंपरा इन लोगों से, जो लोग शादी कर लिए आकर के बस गए थे, दुर्व्यवहार करने लगे, उनके में उनकी झलक हमारी परंपराओं में दिखाई देती है, मतलब मार्शियल में इनके। और कह रहा है कि मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, जब इनकी शादी होती है तब भी वो परंपरा उसमें दिखती है, और रिलीजियस राइट्स और उनके धार्मिक जो अधिकार हैं उनमें भी उनकी झलक दिखाई देती है, वो जो लोग थे मार्शल मैन थे, है ना। कह रहा है कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मैंस स्ट्रीम, कह रहा है कि जो बहुत ही अलग है, इनकी परंपरा बहुत अलग है हिंदू मैन स्ट्रीम से, यानी हिंदू रीति रिवाज से इनकी परंपरा बड़ी ही अलग होती है। एक बार और समझ लो, कह रहा है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक छोटा हिस्सा साउथ की तरफ चला गया, कोस्टल एरिया से होते हुए चला गया, यानी समुद्र के किनारे से होके गया, और यही इस कुर्ग में आकर के बस गया। लेकिन जब वो लोग जाने लगे तो कुछ लोग उसमें से शादी कर लिए, और शादी कर लिए तो उनके बाल बच्चे हुए होंगे, और उन बाल बच्चे जो हुए उनसे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा कबीला टाइप का बन गया, एक बड़ा सा बस्ती बस गया। और उन बस्तियों की जब शादियां होती हैं, या उनकी रिलीजियस राइट की बात आती है, या उनकी परंपराओं की बात आती है, तो उनमें इनकी झलक दिखाई देती है ना, जो यहाँ के लोग हैं इनमें उनकी झलक दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि शायद वो लोग अरबिक और जो बाहर के जो लोग होंगे उनकी ये प्रजातियाँ हैं, ऐसा कहा जाता है। इनकी विचारधारा जो है हिंदू मेनस्ट्रीम से बहुत अलग है, हिंदू रीति रिवाज से बड़ी अलग है। अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, कह रहा है कि अरब का जो ओरिजिन है ना, वो बहुत पुराने समय का है, ऐसा सपोर्ट लेकर के माना जाता है, ड्रॉ सपोर्ट किया जाता है, मतलब एक दिमाग से एक चीज अनुमान को खींचा जाता है कि इनका ओरिजिन बहुत पहले का है। आगे देख लो, कह रहा है कि ब्लैक कोट, अब थोड़ा ये लाइन यहाँ पे है, यहाँ समझ लेना। कह रहा है कि एक कोदावस भी होते हैं, कोदावस भी एक प्रजाति है। कह रहा है कोदावस ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओन बाय द कोदावस। कह रहा है कि एक वेस्ट बेल्ट होती है जो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, सजाई गई होती है, अच्छे से बनी होती है, जड़ी लगा करके, जो पहनी जाती है कोदावस के द्वारा। कह रहा है कि ब्लैक कोट और एक वेस्ट के अंदर जो बेल्ट एम्ब्रॉयडर्ड होती है, वो किसके द्वारा पहनी जाती है, कोदावस के द्वारा पहनी जाती है। शायद ही कोदावस जो होंगे ना, इन्हीं से इनका मतलब अरब का ओरिजिन हुआ होगा, एक ऐसा माना जाता है। अभी आगे आपको समझाएगा। कह रहा है ना कि ये जो कोदावस होते हैं, इन नोन एज कुपिया, जो लॉन्ग कोट होती है, जैसे देखो इस तरीके का आपने देखा होगा ना ऐसे, और यहां पे बेल्ट लगी होती, पुराने राजा वजा को देखा होगा आपने पहनते हुए। तो ये कह रहा है कि जो ये पहनते हैं, एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं और एक वेस्ट बेल्ट बांधते हैं, कोदावस जो, कह रहा है नोन एज कुपिया, कोदावस का जो ड्रेस होता है उसे कुपिया कहा जाता है। और कह रहा है कि इट रिजेंबल्स द कुफिया ऑर्न बाय द अरब्स एंड द कुड्स। एक कुड्स क्या है, कुछ
ईरान साइड के जो मतलब आए हुए यहाँ पर हमारे देश में जो लोग थे उनको कुर्ड्स कहा गया है। ध्यान समझना ये क्या कह रहा है, इस लाइन को थोड़ा टफ है। कह रहा है कि जो कोदावस होते हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहनते हैं और उनके ड्रेस को कुपिया कहा जाता है, और ये कुपिया मैच करता है, मेल खाता है, रिजेंबल करता है किससे, कुफिया से। अब ये कुफिया क्या है, तो कुफिया पहनी जाती है अरब और कुर्ड्स के द्वारा, यानी अरब के लोगों के द्वारा और कुर्ड्स के लोगों के द्वारा जो कुफिया पहनी जाती है वो कुदावस जो होते हैं उनके द्वारा पहने जाने वाली कुफिया से मैच करती है। समझ में आया? आगे कह रहा है कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कह रहा है कि कुर्ग में जो घर है ना उनकी एक ट्रेडिशन है, बड़ी अच्छी परंपरा है किसकी, हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथियों का सत्कार करना, है ना, सेवा करना। कह रहा है कि अगर कोई अतिथि वहाँ पे चला जाए तो उनकी बड़ी अच्छी एक परंपरा है कि वो बड़ा स्वागत करते हैं उनका। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और कह रहा है ये जो लोग होते हैं ना, कुर्गी जो लोग होते हैं, ये बहुत ही विलिंग होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं रिकाउंट न्यूमरस, न्यूमरस माने बहुत सारी कहानियां गढ़ने के लिए, किसकी किसकी कहानी, वैल्यूर माने वीरता की, जो रिलेटेड होती है इनके बच्चे से और इनके फादर से, यानी इनके पीछे गए बच्चों से और जो फोर फादर्स इनके हैं, जो वीरता की कहानी उनकी है, उनकी कहानियां बहुत गढ़ते हैं और बहुत सुनाते हैं, इसके बहुत इच्छुक होते हैं, शौकीन होते हैं। यहाँ देखो कह रहा है कि द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कह रहा है कि जो कुर्गी रेजिमेंट है ना, माने भारतीय सेना में कुर्गी रेजिमेंट है, जैसे गोरखा रेजिमेंट है तो उसमें कुर्ग का रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे ज्यादा डेकोरेट का मतलब क्या है, मेडल मिला हुआ, उनके सीने डेकोरेटेड होते हैं मेडल से। कह रहा है कि कुर्गी रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा मेडल कमाया हुआ है, डेकोरेटेड है, वो सजे हुए हैं, लदे हुए हैं किससे, बहुत मेडल से, इंडियन आर्मी में। और कह रहा है कि एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। भारत का पहला जो कौन था, आर्मी का जो चीफ था, है ना, आर्मी चीफ जनरल, वो कौन था, जनरल करियप्पा था। यानी भारत का, अगर तुमसे भी कभी पूछा जाए कि भारत का पहला चीफ कौन था इंडियन आर्मी का, तो जनरल करियप्पा था, वो भी क्या था, कुर्गी ही था, यानी कुर्ग का रहने वाला था। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearm without a license. कह रहा है कोदावस ही एक ऐसी लोग है ना, ऐसी जाति है इंडिया में जो परमिटेड है, जिनको परमिशन दे दिया गया है टू कैरी फायर आर्म्स, हथियारों को ले जाने के लिए विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। यानी कुर्गी ऐसे होते हैं जो कोई भी हथियार लेके जाते हैं, उनको पुलिस रोकती नहीं है और ना उनको कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब सोचो इनको कितना छूट दिया गया है, ये उसी तरह के आक्रामक टाइप के होते भी हैं, खतरनाक तरीके के, ये बात भी करेंगे तो लगेगा कि डांट रहे हैं, है ना। आगे देखो कह रहा है कि द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कह रहा है जो कावेरी नदी है ना, वो प्राप्त करती है अपने वाटर को हिल से, पहाड़ियों से और जंगलों से, कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से पानी किसको मिलता है, कावेरी नदी को मिलता है, यानी ये वहीं से निकलती है, कर्नाटका से। और कह रहा है महाशीर क्या है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी सी मीठे पानी की, फ्रेश वाटर माने मीठा पानी, हिंदी में कहते हैं उसको, मीठा माने चीनी वाला मत समझ लेना, मीठा पानी माने फ्रेश, जो मस्त एकदम गंदा वाटर नहीं होता है, है ना। कह रहा है कि एक बहुत बड़ी सी फ्रेश वाटर की मछली है जिसका नाम है महाशीर, अबाउंड इन दीज वाटर्स, इन्हीं पानियों में रहती है, चूंकि यहाँ वाटर्स का मतलब पानी नहीं होगा, यहाँ के गड्ढे या नदी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि यहीं के नदियों और गड्ढों में ये फ्रेश वाटर में ये महाशीर मछली होती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंग फिशर एक पक्षी होता है, वो किंग फिशर गोता लगाता है, डाइव करता है पानी के अंदर अपने कैच को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए। वाइल स्पैरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली इटन फ्रूट। कह रहा है कि इस समय स्क्वायरल्स माने गिलहरी और जो लंगूर होते हैं वो ड्रॉप करते हैं, पानी में डाल देते हैं पार्सियली इटन फ्रूट, यानी आधा खाया हुआ, थोड़ा सा खाया हुआ, कम खाया हुआ, पार्सियली माने आधा समझ सकते हो, आधा खाया हुआ जो फल होता है ना, वो पानी में ड्रॉप करते हैं, किस लिए, फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग, मजा लेने के लिए शरारत का।
अपनी शरारतों का मजा लेने के लिए आधा खाया हुआ फल पानी में फेंकते हैं, द स्प्लैश, और पानी को क्या करते हैं, स्प्लैश कर देते हैं, यानी छपाक की आवाज करने के लिए, एंड द रिपिल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और उस क्लियर वाटर में रिपिल इफेक्ट के लिए, रिपिल माने जो तरंगे बन जाती है पानी में, ऐसे ऐसे करके तरंगे बनती हैं, उन तरंगों को बनाने के लिए और उन पानी को स्प्लैश करने के लिए, मजा लेने के लिए, मिस्चीफ में, शरारतों में ये क्या करते हैं, जो लंगूर होते हैं और स्क्वायरल, पानी में फलों को फेंकते हैं वहां पे। आगे देखो, कह रहा है एलिफेंट्स इंजॉय बींग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। कह रहा है जो हाथी होती है ना, वो इंजॉय करती हैं किसका, नहलाए जाने का, स्क्रब माने रगड़े जाने का, इन द रिवर बाय देयर महावत्स, अपने महावत के द्वारा रगड़े जाने का, नहाने का, नहलाए जाने का नदियों में। ये आनंद कौन लेती हैं, नदियाँ हाथियाँ लेती हैं या फिर हाथी लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, कह रहा है कि यहाँ के बहुत सारे शांत लोग जो है, लेड बैक रिलैक्स जो लोग हैं ना, इंडिविजुअल जो है यहाँ के लोग हैं, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। ये लोग भी ना कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एक लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी में आ जाते हैं, विगरस हो जाते हैं, एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, यानी एक एडवेंचर करने के लिए साहसिक काम, एडवेंचर माने साहसिक कार्य होता है, नदियों में राफ्टिंग करने वाले साहसिक काम को करने के लिए हाई एनर्जी में चले जाते हैं यहाँ के वो लोग भी जो बड़े शांत रहते हैं। यानी जब यहाँ की चीज़ें ऐसी हैं ना, यहाँ का ट्रेडिशन ऐसा है कि शांत लोग भी हाई एनर्जी में आकर के राफ्टिंग करने लग जाते हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है ये। आगे कह रहा है, और वो लोग क्या करने लगते हैं, राफ्टिंग ही नहीं करते हैं, कैनोइंग माने छोटी छोटी नौका को चलाना, नाव को चलाना कैनोइंग कहलाता है, ये करते हैं। रैपलिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, मतलब सरक करके नीचे आना, यानी ये रैपलिंग करने लगते हैं यहाँ पे, रॉक क्लाइंबिंग करने लगते हैं, पहाड़ पे चढ़ने लग जाते हैं, एंड माउंटेन, और क्या करने लग जाते हैं, एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन बाइकिंग करते हैं यहाँ के लोग, यानी माउंटेन पे गाड़ी को चलाते हैं, बाइक को चलाते हैं, इतना काम करते हैं यहाँ के शांत लोग भी। इस ऐसी जगह है कि यहाँ पर ये सब करने का मन कर देता है इन लोगों को। न्यूमरस वॉकिंग ट्रल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रकर्स। कह रहा है कि बहुत सारा वॉकिंग ट्रल्स जो है, ट्रल्स माने रास्ता, पगडंडी, चलते चलते जो रास्ता बन जाता है उसे ट्रल्स कहते हैं। कह रहा है कि बहुत सारा जो एक वॉकिंग रास्ता यहाँ पे है ना, इस रीजन माने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत सारा वॉकिंग ट्रेल जो है, आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। ये बहुत ही, यहाँ पर ट्रैकर्स जो होते हैं ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए, उनका ये फेवरेट जगह है, यानी ये रास्ते बड़े ही अच्छे हैं, ट्रैकर्स यहाँ आके बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। कह रहा है कि बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। कह रहा है बर्ड्स, बीज यानी मक्खियाँ, एंड बटरफ्लाई जो तितलियाँ हैं ना, आर देयर यहाँ पे होते हैं टू गिव यू कंपनी, तुम्हें कंपनी देने के लिए, यानी तुम्हारे साथ चले आते हैं, जब तुम आते हो तो चारों तरफ से घेर लेते हैं। मकाक्स, मकाक एक तरीके का काला लंगूर होता है, मकाक, मालाबार स्क्वायरल, मालाबार जो गिलहरियाँ होती हैं वो, लंगूर जो होते हैं वो, है ना। और देखो ये मकाक काले लंगूर होते हैं, प्योर काले होते हैं, और ये लंगूर नॉर्मल होते हैं। कह रहा है कि ये लंगूर, काले लंगूर और मालाबार स्क्वायरल जो है, एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आइज फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी। कह रहा है कि ये जो स्लेंडर लोरीज होते हैं, स्लेंडर माने पतले पतले, और लोरीज अभी दिखा रहे हैं वो भी एक जानवर होता है, वो स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आइज, बड़ी ही वॉचफुल आइज तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए रहते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द ट्रीज कैनोपी, ट्रीज कैनोपी से, ट्री का जो कैनोपी अभी बताया हमने, जो इस तरह का जो क्षेत्र बन जाता है ट्रीज से, इसके ऊपर बैठ करके तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए रहते हैं। कौन, ये जितने हमने बताया, जो मकाक है, जो लंगूर है, जो स्लेंडर लोरी है, ये सब के सब आप पर एक वॉचफुल आइज रखे रहते हैं। अब देखो इसको जरा देख लो, ये क्या है, ये आपके स्लेंडर लोरी थे ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं और ये वॉचफुल आइज आपके ऊपर रखे रहते हैं। अभी बता रहे हैं, आई डू हाउ एवर, मैं जो काम करता हूँ किसी भी तरह से, मैं ना चाहते हुए क्या काम करता हूँ, मैं आई डू प्रीफर, मैं ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, जो वाइल्ड एलिफेंट्स है, जंगली हाथी है ना, मैं उनसे असाइड हो जाता हूँ, मैं उनसे साइड होना प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब हट जाता हूँ। कह रहे हैं द क्लाइंब टू द
ब्रह्मगिरी हिल्स, कह रहे हैं जो चढ़ाई है ना ब्रह्मगिरी हिल्स का, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की जो चढ़ाई है, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कह रहा है कि जब आप ब्रह्मगिरी पर्वत पे चढ़ते हो ना, तो आपको ये क्या देता है, आप पैनोरामिक व्यू देता, पैनोरामिक माने विशाल, बड़ा सा, एक बड़ा सा व्यू आपको दिखाई देता है इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, जो पूरी तरह से धुंध में एक लैंडस्केप है, माने एक ऐसी लैंडस्केप है जो पूरी तरह से धुंधली दिखाई देती है फ्रॉस्ट की वजह से, कोहरे की वजह से, कहाँ की, कुर्ग की, कुर्ग की एक बहुत बड़ी सी लैंडस्केप जो धुंधली दिखाई देती है, वो कब दिखाई देती है, जब हम ब्रह्मगिरी पर्वत पे चढ़ते हैं तब। आई कह रहा कि अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, अगर आप वॉक करते हो, है ना, अगर आप वॉक करते हो अक्रॉस द रोप ब्रिज, रोप ब्रिज देखा है ना जो रोप वे वगैरह होती है, कह रहा है कि अगर उस पर वॉक करते, मतलब बैठ करके आगे बढ़ते हो, तो क्या होता है, लिस्ट टू द 64 एकर आइलैंड ऑफ निसार्ग धामा। कह रहा है कि अगर आप रोपवे पर जाते हो ना, तो लगभग उसके अक्रॉस जाते हो, पार जाते हो, तो लगभग 64 एकड़ आइलैंड तुम क्रॉस कर जाते हो निसार्ग धाम में। निसार्ग धाम जगह है। कह रहा है कि अगर आप रोपवे से जाते हो तो निसार्ग धाम में ऊपर 64 एकड़ जमीन आप लांग जाते हो, क्रॉस कर जाते हो, यानी 64 एकड़ का रोपवे बना हुआ है वहां पर। अब जो हम यहां से आपको पढ़ाने वाले हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें टिपिकल सेंटेंसेस हैं। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। कह रहा है जो रनिंग करते हुए जो बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं, बुद्धिस्ट साधु जो आते हैं रनिंग करते हुए, कहाँ से आते हैं, फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट जो है, तिब्बत में जो एक शरणार्थियों के रहने की जगह है, बसेरा है, शरण है, वहाँ से बुद्धिस्ट मॉन्क जो दौड़ते हुए आते हैं ना, अच्छा वो जो कहाँ है, एट नियर बाई बैलकुपे, बैलकुपे एक जगह है, उसी के पास में तिब्बतियन सबसे बड़ा सेटलमेंट है भारत का, वहीं से ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते हैं दौड़ते हुए। और कह रहा है इज अ बोनस, यह एक बोनस है, मतलब इस कुर्ग की सुंदरता को बढ़ाने में, इसकी झलक को बढ़ाने में इन बुद्धिस्ट मॉन्क का दौड़ते हुए आना भारत के सबसे बड़े तिब्बतियन सेटलमेंट से एक बोनस है, मतलब उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है, उनकी सुंदरता को बढ़ा देता है, उनकी झलक को और देखने योग्य बना देता है। समझ में आया, आगे देखो, कह रहा है कि द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रॉब्स। कह रहा है जो यहाँ के मॉन्क्स होते हैं, साधु होते हैं ना, वो रेड ऑकर का मतलब गेरुआ वस्त्र होता है, वो गेरुए वस्त्र में एंड येलो रोब्स, रोब्स माने पहनावा, और येलो रोब्स पीताम्बरी को कहते हैं, पीले पीले वस्त्र धारण करें। कह रहे हैं कि जो मॉन्क्स हैं वो गेरुआ वस्त्र और पीले वस्त्र में आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। एक बार और समझो, कह रहा है कि जो ये पीताम्बरी में और ये जो गिरवे वस्त्र में जो ये मॉन्क्स आते हैं ना, आर एमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेज, यहाँ की बहुत सारी सरप्राइजेज में से ये भी एक है, जो सरप्राइज वेट टू बी डिस्कवर्ड, वेट करता है कि इनको खोजा जाए बाय विजिटर्स सर्चिंग, जो विजिटर आकर के सर्चिंग करते हैं द इंडिया के हर्ट और सोल को, यानी भारत की आत्मा को, हृदय को, राइट हेयर इन द कुर्ग, कुर्ग में यहीं पर। अभी समझा रहे हैं, कह रहा है कि जो विजिटर्स आते हैं ना, बाहर के जो विजिटर्स आते हैं इस कुर्ग के अंदर, कुर्ग में इस जगह पे भारत के सोल और हर्ट को खोजते हैं, मतलब सोल और हर्ट को, भारत की ओरिजिनल संस्कृति जो है, यहाँ की जो आपकी कल्चर है, आपका ट्रेडिशन है, आपकी जो झलक है, वो आकर के यहीं पे ढूंढते हैं। और जब वो ढूंढते हैं ना, तो इन साधुओं का जो गेरुआ और पीला वस्त्र है, वो इनके सर्चिंग का इंतजार करता है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए, तो ये इन साधुओं के पीले और गेरुए वस्त्र में ही भारत की आत्मा को और हर्ट को क्या करते हैं, सर्चिंग फॉर करते हैं। ये उल्टा लिखा हुआ है कि मतलब इन साधुओं का जो गेरुआ वस्त्र और पीला वस्त्र है,
ये वेट करता है कि जो विजिटर भारत के सोल और हर्ट को देखने आए हैं, पता लगाने आए हैं, वो मुझे आकर के देख ले। मतलब भारत की एक बहुत सुंदर झलक, एक कल्चर मुझ में दिखाई देती है, गेरुए और पीले वस्त्र में दिखाई देती है, सही भी है। तो वही कह रहा है कि इन साधुओं के गेरुए वस्त्र में और पीले वस्त्र में जो भारत की झलक दिखाई देती है ना, वो कौन सर्च ऑफ करता है, कौन सर्च फॉर करता है? तो ये जो विजिटर्स आते हैं बाहर से, वो इसको तलाशते हैं कि आखिर भारत की जो झलक हम पढ़ते हैं वो कहां है। तो झलक बहुत ज्यादा मायने में कहां दिखाई देती है, इन साधुओं के गेरुए वस्त्र में और इनके पीले वस्त्र में दिखाई देती है। जो लोग विजिटर आकर के कुर्ग में यहीं पर इनकी झलक को देखना चाहते हैं, वो यहीं पे देख लेते हैं। तो देखो ये लेशन भी यहां पे समाप्त हो गया। अब आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करना कि आखिर इसमें इंडिया की झलक क्या है, वो हम लास्ट में आपको अच्छे से समराइज करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।